असलामुअलैकुम फ्रेंड्स अवार्ड्स फ्रेंड्स डिफेंस अपडेट्स में तुर्क कंपनी को टैंक अपग्रेड से मुतालिक एक मुल्क की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट की खबर पर बात करेंगे। यूनान को मॉडर्नाइज F-16 की फरामी, सिंगापुर को पहली सबमरीन की डिलीवरी, ब्रिक्स इत्तेहाद में शमूलियत के लिए खैर मकदम समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। चाइनीज मीडिया सोर्सेस का कहना है कि आने वाले दिनों में साउथ अफ्रीका में मुनक्किद होने वाली ब्रिक्स समिट के मौके पर चीन की जाने से ब्रिक्स इत्तेहाद में मजीद ममालिक की शमूलियत का खैर मकदम किया जाएगा। ख्याल रहे कि साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट का नया इजलास 22 से 24 अगस्त को मुनक्किद किया जाना है। इस मौके पर चीन की जानिब से ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE के अलावा 5 दीगर ममालिक की इस इत्तेहाद में शमूलियत से मुतालिक चीन की जानिब से खैर मकदम किया गया है। ख्याल रहे कि ब्रिक्स इत्तेहाद इस वक्त ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल है, जबकि इस इत्तेहाद में हालिया दिनों में सऊदी अरेबिया और ईरान के अलावा UAE की जानिब से शमूलियत का इजहार किया गया था। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की जानिब से लीड किए जाने वाले इस इत्तेहाद में बहुत जल्द नए ममालिक की शमूलियत मुतवक्के है। फ्रेंड्स, इटालियन नेवी की फ्यूचर प्रोग्राम डेवलपमेंट की गर्ज से तीसरी सबमरीन से मुतालिक नया कॉन्ट्रैक्ट इटालियन कंपनी को अवार्ड कर दिया गया है। इटालियन कंपनी बुनियादी तौर पर इटालियन नेवी के लिए U212 NFS नामी सबमरीन आने वाले अरसे में डेवलप करने के बाद इटालियन नेवी को 2030 में डिलीवर करेगी। इस तकरीबन 500 मिलियन यूरो से जायद मालियत के कॉन्ट्रैक्ट के तहत इटालियन कंपनी U212 सीरीज की तीसरी सबमरीन पर काम का आगाज बहुत जल्द शुरू कर देगी। 1600 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ इटालियन नेवी के लिए तैयार की जाने वाली ये सबमरीन 29 मेंबर्स को अकोमोडेट कर सकेगी। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी एसलसान और चिली की हुकूमत की जानिब से चिली की आर्मी के जेर इस्तेमाल लेपर्ड 2A4 मेन बैटल टैंक्स की मॉडर्नाइजेशन से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ख्याल रहे कि एसलसान इससे पहले तुर्क आर्मी के जेर इस्तेमाल लेपर्ड मेन बैटल टैंक्स को भी अपग्रेड कर रही है और गालबन इसी तजर्बे को पेश नज़र रखते हुए अब चिलियन हुकूमत की जानिब से भी लेपर्ड 2A4 मेन बैटल टैंक्स को मॉडर्नाइज किए जाने का बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। लेपर्ड 2A4 मेन बैटल टैंक्स जो चिलियन आर्मी के जेर इस्तेमाल हैं, इनको तुर्क कंपनी BMC और एसलसान की जानिब से इस मुआहदे के तहत आने वाले अरसे में अपग्रेड किया जाएगा। BMC कंपनी इससे पहले आल्टे मेन बैटल टैंक प्रोग्राम को भी लीड कर रही है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एसलसान की जानिब से टैंक के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम, रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन, टैंक कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम के अलावा लेपर्ड टैंक से मुतालिक लेजर वार्निंग सिस्टम, ड्राइवर विजन सिस्टम और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के अलावा क्लोज रेंज सर्वेलेंस सिस्टम्स फराहम किए जाएंगे। फ्रेंड्स, यूनान की एयरफोर्स का F-16 वाइपर एयरक्राफ्ट अमरीका में तकरीबन 2.5 साल मुद्दत तक एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद अब वापस यूनान की फिजाइया के हवाले कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनान के इस F-16 वाइपर एयरक्राफ्ट के साथ इसराइली एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले 3 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे। इन एयरक्राफ्ट ने इकट्ठे फ्लाई करते हुए 2 मरतबा अमरीकी साख्ता KC-130 टैंकर रिफ्यूलर तैयारों से एयर रिफ्यूल करने के बाद ये लॉन्ग जर्नी मुकम्मल की है। ख्याल रहे कि लॉकहीड मार्टिन की जानिब से हालिया दिनों में ही इसराइल के लिए 3 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फराहम किए गए हैं। दूसरी जानिब यूनान बड़ी तादाद में अपने F-16 ब्लॉक 52 तैयारों को वाइपर स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करवा रहा है। यूनान की एयरफोर्स के पास इस वक्त 84 F-16 ब्लॉक 52 तैयारे मौजूद हैं, जिनको अमेरिका से इस अपग्रेड प्रोग्राम के बाद F-16 ब्लॉक 72 कहा जाएगा। ख्याल रहे कि F-16 ब्लॉक 70-72 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट का लेटेस्ट ब्लॉक है, जिसमें कई तरह की अपग्रेड की गई है, जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार और दीगर एवियोनिक्स अपग्रेड काबिल जिक्र है। फ्रेंड्स, सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जर्मनी की तरफ से तैयार की जाने वाली सिंगापुर की नेवी के लिए पहली इनविंसिबल क्लास सबमरीन रिसीव कर ली है। इस सबमरीन को जर्मनी में 13 दिसंबर 2022 को बाकायदा लॉन्च किया गया था। सिंगापुर जर्मनी से इस क्लास की टोटल 4 सबमरीन्स खरीद रहा है।
इनविंसिबल क्लास सबमरीन बुनियादी तौर पर 2000 टन डिस्प्लेसमेंट रखती है, जबकि इसकी लंबाई 70 मीटर है। ये सबमरीन 15 नॉट्स की स्पीड और टोटल 28 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकेगी। इसके वेपन्स में 533 मिलीमीटर के 8 टॉर्पीडो ट्यूब्स मौजूद है, जिससे हैवी वेट टॉर्पीडोज के अलावा एंटीशिप मिसाइल्स या फिर नेवल माइंस को लॉन्च किया जा सकता है। फ्रेड्स तुर्क कंपनी एसलसान के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो आने वाले दिनों में मुनक्किद होने वाली आईडेफ दिफाई नुमाइश के मौके पर अपना गुर्ज नामी एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स अनवील करेगी। इस सिस्टम पर 35 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन के अलावा 4 वेरी लो ऑल्टीट्यूड और 4 लो ऑल्टीट्यूड हीट सीकिंग मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस सिस्टम के लिए व्हीकल माउंटेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार और फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया गया है। इस सिस्टम के बारे में कंपनी का दावा है कि ये कई तरह के टारगेट्स जैसा कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, यूएवीज, क्रूज मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड मिनिशन को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखती है। ख्याल रहे कि तुर्क कंपनी इस वक्त एक हाइब्रिड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी तैयार कर रही है, जिस पर तुर्की के अंडर डेवलपमेंट एयर टू एयर मिसाइल गोकदोगान और बोजोगान को ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट से इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, अमरीका की जानिब से यूक्रेन के लिए एक मरतबा फिर भारी अस्करी इमदाद का ऐलान किया गया है। 19 जुलाई को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जानिब से यूक्रेन के लिए 1.3 अरब डॉलर के सिक्योरिटी असिस्टेंस पैकेज का ऐलान किया गया। इस 1.3 अरब डॉलर की अस्करी इमदाद में अमरीका की तरफ से 152 मिलीमीटर के आर्टिलरी राउंड, माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट और टो मिसाइल्स यानी ट्यूब लॉन्च्ड ऑप्टिकली ट्रैक वायर गाइडेड मिसाइल्स के अलावा फीनिक्स घूस्ट और स्विच ब्लेड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स भी यूक्रेन को फराहम किए जाएंगे। दीगर वेपन्स में प्रसिशन एरियल म्यूनिशन, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिटेक्शन सिस्टम काबिले जिक्र है। हालिया 1.3 अरब डॉलर के अस्करी पैकेज में अमरीका की जानिब से 4 नेशनल एडवांस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी यूक्रेन को डिलीवर किए जाएंगे। ख्याल रहे कि यूक्रेन इस वक्त कई तरह के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें सबका सोवियत साफ्ता S-200 और S-300 के अलावा बक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जर्मन साफ्ता IR-ISD शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और अमरीकी साफ्ता पैट्रियाट के अलावा नॉर्वेजियन और अमरीकी कंपनी के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम शामिल है। इस वक्त मगरबी मीडिया की जानिब से फ्रांस की जानिब से यूक्रेन को लेक्लेरिक टैंक फराहम किए जाने से मुतालिक भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स शाया की जा चुकी है। ख्याल रहे कि इससे पहले अमरीका की तरफ से एब्राहम्स और जर्मनी और उसके इतिहादी ममालिक की जानिब से लेपर्ड 2 मेन बैटल टैंक और बरतानिया की तरफ से चैलेंजर 1 मेन बैटल टैंक पहले ही यूक्रेन को फराहम किए जा चुके हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।